लता दीदी हमारे, लता दीदी हमारे, जब तक चांद सूरज रहेगा लता तेरा नाम रहेगा। गुरुवार को भारत रत्न लता मंगेशकर की अस्थियों को नासिक की पवित्र गोदावरी नदी में विसर्जित किया गया। इस दौरान उनका पूरा परिवार नासिक में मौजूद था। स्वर कोकिला को अंतिम विदाई देने के लिए नासिक जिला प्रशासन ने गोदावरी नदी के तट पर भव्य आयोजन किया था। 6 फरवरी को 92 साल की उम्र में लता जी का निधन हो गया था। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता दीदी का अंतिम संस्कार हुआ था। उनकी अस्थियों को 3 कलश में मुंबई के शिवाजी पार्क से जमा किया गया था। रविवार को अस्थियां लेकर आदिनाथ लता मंगेशकर के निवास प्रभु कुंज पहुंचे थे। गुरुवार सुबह उनके भतीजे आदिनाथ ने पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार कलश से अस्थियां नदी में प्रवाहित की। इस दौरान उनका पूरा परिवार वहां मौजूद था। पहली का विसर्जन नासिक के रामकुंड में किया गया और अन्य 2 को हरिद्वार और वाराणसी में प्रभावित किया जाएगा।